वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हमारे यहाँ चल रहा है तरीके का, क्या काम चल रहा है ये देखें, ये वाला काम चल रहा है। अभी ज़रा ये लोग खाना वाना खाने गए, मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। पूरा फैला के गए हैं और बच्चों की जो है वो कबर्ड यहाँ पे बनवा रहे हैं, उधर फैला हुआ है। और हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं, ये क्या है, हेलो। और हसन के लग गई है पैर में, तो अभी हम जरा इसकी इमरजेंसी में कुछ पट्टी शट्टी करते हैं। मेहमान नहीं है, और ये कौन है गंदा बच्चा। तो बस आज का दिन हमारा इस तरह स्टार्ट हुआ है कि बहुत बिजी बिजी, क्योंकि हमारे यहाँ जो आ रहा है घर में पूरा घर चला कर मिलते हैं आपसे अभी ब्रेक के बाद। और खाना वाना भी बनाऊंगी, खाना वाना खाएंगे, बच्चों को बना रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं। ये मैंने जो है अलमारी के ऊपर ही कबर्ड्स बनवा दिए, तो ये अलमारी मैंने जो है दीवार में फिक्स करवा दी थी। बहुत ही अच्छा ये जो है लग रहा था, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कबर्ड्स एंड अलमारी दोनों जो अलग है। अभी जब इसका फाइनल आपको लुक दिखाऊंगी तो आपको खुद भी पता चले, ये देखें बिल्कुल एक इक्वल, बहुत अच्छा इस तरह से जो है एक स्टाइल बन गया। थोड़ी सी सफाई करूँ यहाँ पे, यार बड़ा गंदा करके गए हैं ये लोग। यहाँ पर मैं पूरा ये साफ़ सफाई करूँगी यहाँ पर, और फिर जो है मैं बच्चों का कमरा थोड़ा सेट करती हूँ सब चीज़ें। तो मैं आपसे सफाई करके, और मैं ये करूँगी यूँ करके चुटकी बजा, ये साफ कर दिया मैंने, पूरा साफ सुथरा हो गया बच्चों का कमरा। आइसक्रीम पार्टी चल रही है, बच्चों कैसी है, अच्छी बताओ भाई। फिर मैंने सोचा यार काफ़ी दिन हो गए हैं, मिल्क शेक नहीं बनाया है, तो वो बनाया साथ में। फिर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, बैंगन आलू। ये बैंगन आलू बहुत मज़े के बनते हैं, अचारी स्टाइल के होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है आप ही देखें, मैंने शेक भी साथ में बना के मुफीद को भी दिया, बच्चों को भी दिया, और यहाँ पर मेरे बैंगन आलू भी जो है वो साथ में झटपट तैयार हो गए। साथ में मैंने चावल भी बनाया, और फिर उसके बाद ये देखें जो अलमारी से सामान निकला था, एक ढेर जो है मैंने दूसरे कमरे के बेड पर रख दिए थे। अब मुझे सारे इनमें से जो है वो सॉर्ट आउट करके फिर मुझे कबर्ड्स के अंदर रखने थे, और इसमें मुझे तकरीबन बहुत टाइम लग गया था और मैं थक चुकी थी, फिर मैंने इसको दूसरे दिन पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर खाना खा लिया हमने, बच्चों को मैंने लिटा दिया सोने के लिए। हसन हसन जाग रहा है, हमजा सो चुका है, और मैं भी जा रही हूँ सोने। यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, हमें बहुत ख्याल रखिएगा।